तो आज है जन्माष्टमी का दिन और देख सकते हैं दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है। जन्माष्टमी के दिन बारिश तो ज़रूर होती, चाहे थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो, तो बारिश तो होनी है। हम देख सकते हैं ज़बरदस्त बिजली भी कड़क रही है। बन्ना जी से कह रहा था कि जन्माष्टमी है, बारिश जरूर होगा, कह रहे पिछले साल नहीं हुआ था। सही में पिछले साल, हुआ होगा, थोड़ा बहुत हुआ नहीं होगा, नहीं हुआ था। तो अगर नहीं हुआ तो ब्लॉग चेक कर लो। तो जब मैं बोला था उसके कुछ ही घंटे बाद मौसम भी बन गया और बारिश भी खूब झमाझम हो गया है, तो इससे पता चलता है कि जन्माष्टमी आज ही है और बरसात भी खूब होता है। चलिए वीडियो बने रहे, मिलते कुछ देर बाद। हैप्पी जन्माष्टमी, 12 बज गए। राधे 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 बोल, राधे कृष्णा। क्या खिला रही हो जी? मुंह मीठा करा रही हूँ। चलिए सबका मुंह मीठा हो गया, कृष्ण जी का जन्म हो गया। देखा कितना आंधी तूफान बारिश हुआ है, इससे पता चलता है जन्माष्टमी, कृष्ण जी पैदा होने वाले हैं। चलिए बने रही वीडियो, मिलते हैं फिर कुछ देर बाद। The next day. तो मैं पहुंच गया हूं ओखला सर्विस सेंटर। जो मैंने स्कूटी ली थी तो इसकी सर्विस करानी है और एक महीने के अंदर सर्विस कराना रहता है। कितना चला हुआ है? 496 किलोमीटर चला हुआ है, 500 किलोमीटर, जो कि 750-800 किलोमीटर के अंदर सर्विस कराना रहता है और एक महीने का डेट रहता है। तो एक महीने से ज़्यादा हो गया, 4-5 दिन। तो मैं आज आया हूँ सर्विस कराने के लिए, ये ओखला में है। ये मेरी स्कूटी है और ये है सर्विस सेंटर। ये तो हमारे पुराने बॉस हैं। अमित भैया कैसे हो? नमस्कार। हम ठीक हैं, आप बताओ। आ जाओ कभी घूमने, हमारी पर्यावरण कॉम्प्लेक्स में, साकेत इग्नू वाले रोड पे। चंदन भैया जा रहे थे, हमने आवाज लगाया कि रोक लिया इन्होंने। आओ किसी दिन टाइम निकाल के, वरना हम आ जाते राजनगर आपसे मिलने। हाँ आ जाते हैं, थेरेपी वगैरह। तो आज मैं आ गया हूँ अली भाई की दुकान पे। एक समय था जो ये जिसको देखो आजकल गाइस ही बोलता है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सब गाइस बोलते हैं। तो एक समय था जब ये खुद के, यानी अमित जब दुकान खोले थे उस दुकान पे ये काम किया करते थे। आज इनका भाई साहब खुद का दुकान है, देख रहे हो एसी। हम क्या है इनके आगे यार, बहुत छोटे भैया। फ्लैट है, दुकान है, इनकी हाई फाई बात हो रही है। इनको अब हम कहाँ पाएंगे? तो ये देखो अच्छे का। समय समय की बात होती है, इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बंद कर दो। तो फाइनली अभी मैं घर में पहुंचा हूँ। घड़े में देख सकते हैं कितना बज गया, आप लोग खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, हम नहीं बताएंगे। पापा ये कह रही स्ट्रीट में डर लग रहा था। क्या तो प्राची आई हमारे घर पे, सोनाची काफी खुश है। कैसा फील हो रहा है? कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। ऋषभ कैसा लग रहा है तुम्हें? प्राची दीदी पहली बार तुम्हारे घर पे आई है। पहली बार यानी अकेले बिना अपने मम्मी के? अकेले ही आई थी पिछली बार, याद है? कहाँ आई थी? अकेले ही आई थी मैं, अपनी मम्मी के साथ आई थी। हाँ बुआ था, बुआ भी थी, नन्ना भैया भी।
नैनू पहली बार तो अकेले आई हूँ। तो वंदा जी दिख जाएंगी साफ सफाई करते हुए, इनका पूरा ध्यान हमेशा साफ सफाई पर। बहुत खिसिर खिसिर कर रहा है पैर मेरा, नीचप नीचप करते रहते हैं। नीचप नीचप खाली लीचप लीचप करते क्या करते हो? जैसे कि आप लोगों को पता चल ही गया था कि हमारे बड़े पापा का देहांत हो गया था, और हम लोग जब गांव से घर पर आए और घर पे एक दिन दूसरे दिन पता चला कि सुबह सुबह ही पता चला कि हमारे बड़े पापा का देहांत हो गया। इतने भी डाल दिया था, बाकी वर्मा जी ने भी बता दिया था, लेकिन मेरा वीडियो डालने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं था और मैंने वीडियो डाला भी नहीं था। आज थोड़ा बहुत वीडियो मैंने कल भी शूट किया था, आज भी शूट करके तब आज वीडियो डाल रहा हूँ। बड़े पापा बिल्कुल बहुत ही अच्छे थे और हम लोगों को खिलाए भी हैं, और इस बार हम गांव जाके मिल भी नहीं पाए क्योंकि एक ही दिन के लिए गए थे गांव। जब हमारा घर जो है हमारा मेन रोड पे है और हमारे बड़े पापा का घर जो है थोड़ा अंदर जाके है, तो हम गए थे अपने दोस्त के साथ बाइक में, लेकिन मेरे बड़े पापा दिखे नहीं। पता ही नहीं था कि इतना जल्दी इतना सब कुछ हो जाएगा। वैसे मेरे क्या चिल्ला रहे हो, फोन आ गया। दिल्ली जो आता है मोटा होके जाता है, पतला होके नहीं जाता है। आप कितना भी कम खाओगी लेकिन यहाँ खुश रहो, टेंशन नहीं रहेगा। मेरे घर पे मेरे मुझे टेंशन है। नहीं ऐसे घर पे होता है कि अरे एक होता है ना जिम्मेदारी की। तो तुम यहाँ पतला होने आई हो क्या? अभी हम तुमको पिज्जा बनाकर खिलाएंगे, मोटा कर देंगे। मुझे कितना खाना दे देती, इतना खाना दे देती, खा लेती। हम बोले इतना सा चावल मेरे दाल में डाल दीजिए, इतना चावल डाल दीजिए। कितना छोटी वीडियो देख रही होगी, टेंशन मत लो छोटी। अरे छोटी सब कुछ नोटिस कर रही है, कम तो छोटी हो। प्राची से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं, कमेंट में लोग कर रहे हैं। प्राची मेरी भांजी है, छोटी मेरी बहन है, कंपेयर क्यों किया जा रहा है? और देखो ना बुढ़ कौवा कितना, बहन को लोग डांट भी देते हैं कि कोई भांजी को डांटता है। डांटेगा क्यों नहीं, जब गलत करेंगे तो डांटेंगे। गलत करती नहीं है तो डांटे क्यों? क्या गलत किया मैंने आपको? गलत जब मैंने कहा जब गलत करोगी करूंगी तब ना। हाँ। जब करूंगी तो डांटिए ना। वो गलत छोटी गलत काम करती तब डांटते थे, जैसे मेरा शीशा तोड़ी थी, मेरा रिंग लाइट तोड़ दी थी। ये क्यों हंस रहा है? देखो गलत काम करेगी तो डांटेंगी जो भी रहेगा। अगर प्राची तोड़ देगी तो प्राची भी तो आई है। नहीं तोड़ूंगी मैं, ध्यान दे तू तो। प्राची यही सफाई कर रही है ना, सफाई करने में लग जाती है। मना करने के बाद भी क्या नाम है, जब कोई घर पे नहीं रहता तो भी करती थी मैं, उसको कोई कहता भी नहीं था और अपने से करने लगती। तो इस चीज़ के लिए मैंने उसको इसलिए डाटा था कि तुम सफाई क्यों कर रही हो, जब हमने मेड रखा है सफाई करने के लिए तुम क्यों कर रही हो? आपके घर में कोई काम भी नहीं है, मेड आती है बर्तन धुलती है कुछ झाड़ू करती है। हमारे घर में मेड, इनके घर में काम नहीं है? इनके घर में बहुत काम है, वो तुमसे करवाती नहीं। नहीं काम वाली रखी इसलिए काम नहीं, काम नहीं है। सच बता रहे कोई जितना मेरे घर में बहुत काम है अगर आप देखेंगे तो। तुम्हारे घर में काम वाली नहीं है ना? सिर्फ खाना बना बर्तन वाली लगी है तब भी। देखो हमें सबसे अच्छा काम क्या लगता है, सब काम करवा लो और खाना बनाने के लिए बस एक वक्त बस। सबसे ज्यादा मेहनत मुझसे आप कुछ मत कराइए, मुझे नफरत है सारे काम से, मुझे मुझसे बस खाना बनवाओ। अब हमको बस सारा काम करवा दो, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। सबसे ज्यादा मेहनत कपड़ा साफ करने और खाना बनाने में, कपड़ा साफ करने तो हाथ से भी दो दो घंटे लग जाते हैं। नहीं कपड़ा तो बस मशीन धुले, मैंने धुलती है मशीन धुलेगा, निकालोगे और उसमें डालो वाश करोगे। देखे थे पूछ रहे थे कल मशीन उसमें कर लेंगे। हमारे यहाँ भी वो अलग है ना, वो जैसे आपका है ना वैसे है, तो अलग से निकालना पड़ता है। वो कट्ठा बन जाता है ना? नहीं मेरा तो कट्ठा नहीं बनता है। क्या हो जाता है? बन जाता है। हम लोग तो ऐसे अलग अलग निकाल लेते हैं ना, तो अलग अलग फिर निकालना पड़ता है ना, वही चीज मेरा कट्ठा नहीं बनता, फंस जाता है। आप नहीं मेरा नहीं बन फंसता है, कभी कभार फंस जाता है, ज्यादा नहीं फंसता, ज्यादा कपड़ा डालोगे तो फंसेगा ही। अब तुम सोचती हो एक ही बार में सारा कपड़ा धो, तभी फंस जाता है, फिर वो चलता नहीं है ना ठीक से। नहीं ना उसमें जगह रहेगा उतना नहीं डालेंगे, जगह तो उसमें पूरा ऊपर तक रहता है, इतना भी नहीं डालते हैं। अब तुम्हारे ऊपर ही एक गट्ठर लाद दिया जब कैसे चलोगे? जैसे दुपट्टा वगैरह रहता है ना फंस जाता है। हां अच्छी हो गई दिल्ली आकर स्मार्ट हो गई, और गांव में हम देहाती थे। नहीं
गांव में थोड़ा सा अरे वो अलग नहीं गांव वाली बात ही है, हम अपने घर में रहेंगे तो नॉर्मल ही रहेंगे ना। आप अपने घर में तो नॉर्मल ही बैठी है ना, अभी तो हम तो कुछ नहीं किया वही ना, हम भी अपने घर में रहेंगे पुराना कपड़ा पहन के नॉर्मल रहेंगे। अब हम यहाँ आए तो नया कपड़ा पहनती हो क्या? अच्छा यहाँ नया नया कपड़ा लेके आई हो गया? मतलब की वैसे घर का कपड़ा नहीं, जो वैसे नॉर्मल कपड़े लेकर आई हूँ, नया नहीं लाई हूँ पुराना ही है। ऐसे रही नहीं से मैं बड़ी थी, ऐसे ही थी नहीं, 8-9 साल की थी शादी में, शादी में ना बड़े थे, कह रही हूँ 9 साल के थे, 9-10 शादी में। और जब चित्रकूट में गए थे जब तुम मेरे पास ऐसे बैठी थी छोटी सी ऐसे करके। इनको बताओ मैं गोदी में लेके मैहर चढ़ाऊं सीढ़ी पे, अब तो गिर बाहर आ जा। इतनी नान हमारी फ्रेंड की गुणगान का फोन की थी ना, बोल रही थी ना हमारी ननद की लड़की कितनी स्टैंडर्ड कितनी स्मार्ट लगती नहीं है कि गांव में, हम क्या गांव में नहीं रहती है, बाहर से पढ़ाई की है इलाहाबाद में रहकर। गांव में रहने वाले सब गांव में रहते हैं, ऐसा बात नहीं, बहुत सारे देखो सोच अलग होता है ना, तो वो लग रही है। लेकिन हमारे यहाँ हमारे हमारे चिलबिला में देखेंगे ना गाँव में सब देखेंगे सब स्टाइल है, मारते रहते हैं सब जितनी लड़कियाँ हैं देखे हैं, गए थे मंदराची नहीं मारती है स्टाइल मारते क्या है ना, खट 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 ख